नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे WhatsApp के नए फीचर रिकॉल के बारे में, जिसका सभी लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो गलती से हम किसी और कॉन्टैक्ट पर या किसी और नाम पर टच कर देते हैं गलती से, और वो मैसेज किसी और को चला जाता है। और इसका सलूशन WhatsApp ने निकाला है रिकॉल फीचर के थ्रू, रिकॉल फीचर के द्वारा। अगर इस फीचर की हम बात करें तो इससे हम जो किसी को भी गलती से हमारा मैसेज चला गया है उसको हम अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी और दूसरे के मोबाइल से भी, जिस मोबाइल पर वो मैसेज गलती से चला गया है दोनों तरफ से हम अपने मोबाइल से मैसेज वो डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मान लो मैंने इस कॉन्टैक्ट पर एक मैसेज सेंड किया, हेलो टाइप किया और इसे सेंड कर दिया। मान लो गलती से ये किसी और को भेजना चाहता था और ये इस कॉन्टैक्ट पर चला गया, तो हम इसको कैसे डिलीट करेंगे उस मोबाइल से जिस मोबाइल पर ये चला गया है मैसेज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हेलो टाइप किया हुआ है या हेलो टाइप किया है या कोई भी हमने इमेज भेजी है या वीडियो सेंड किया है उसको टच करेंगे 2 सेकंड के लिए, उसे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से डिलीट वाला बटन टच करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन आएंगी, डिलीट फॉर मी, इससे क्या होगा कि ये जो मैसेज है हमारे मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, और दूसरी जो ऑप्शन है वो है कैंसिल की, कैंसिल करेंगे तो ये हमारे मोबाइल में भी मैसेज रहेगा और दूसरे के मोबाइल में भी जिस पर ये चला गया है, और तीसरी जो ऑप्शन है वो है डिलीट फॉर एवरीवन। इसका मतलब है अगर हम इस ऑप्शन पर टच करते हैं तो ये मैसेज हमारे मोबाइल से और जिस मोबाइल पर ये हमने सेंड किया है उस मोबाइल से दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा उसी वक्त जब हम इस पर टच करेंगे। देखिए कैसे, जब हमने इस पर टच किया तो यहाँ पर एक मैसेज मिला है, यू डिलीटेड दिस मैसेज, यानी कि आपने इस मैसेज को डिलीट कर दिया है आपके मोबाइल से भी और सामने दूसरे मोबाइल से भी जिस मोबाइल पर ये चला गया था मैसेज। और आगे हम देखते हैं, मान लो मैंने इसी कॉन्टैक्ट पर एक पिक्चर सेंड की, ये पिक्चर मैंने सेंड की किसी कॉन्टैक्ट पर और अभी मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ उसके मोबाइल से भी और मेरे मोबाइल से भी। तरीका वही है, हम इसे टच करेंगे 2 सेकंड के लिए, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो ऑप्शन दी गई है डिलीट की उस पर टच करेंगे, उसके बाद वही 3 ऑप्शन आएंगी और 3 ऑप्शन में से तीसरी ऑप्शन डिलीट फॉर एवरीवन वो टच करेंगे। उसके टच करते ही ये मैसेज हमारे मोबाइल से और उस मोबाइल से भी डिलीट हो चुका है जिस मोबाइल पर ये मैसेज चला गया था। तो दोस्तों इस तरह WhatsApp के द्वारा दिया गया ये फीचर बहुत ही लाजवाब है। कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से मैसेज किसी और को चला जाता है, तो इसका सलूशन जो WhatsApp ने निकाला है इसका सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था, और इस तरह आप गलती से किसी के पास सेंड हुआ मैसेज आपके और दूसरे के मोबाइल से दोनों में से डिलीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।